हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आज का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। जी हाँ, अगर आप YouTube बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ करते हो तो इन कैप्सूल के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सुना होगा। और साइड इफ़ेक्ट्स इस कैप्सूल के इतने ज़्यादा खतरनाक है कि उससे एक इंसान डेथ तक एक्सपीरियंस कर सकता है। जी हाँ, डेथ तक वो एक्सपीरियंस कर सकता है। इसलिए आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल। अगर आधा वीडियो देख के जाओगे, आधी चीज़ें फॉलो करोगे तो आप तो डेंजर में पड़ोगे, प्लस आप मुझे भी डेंजर में पढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आप फिर मुझे बोलोगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और चैनल का नाम मेरा ख़राब होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, आपने बहुत सारे वीडियोस के टाइटल पढ़े होंगे कि रातों रात गोरा हो जाइए, या रातों रात आप 4-5 इंच अपने बाल लंबे कीजिए इन कैप्सूल्स को यूज़ करके। तो इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो मैं आज की वीडियो में आपकी क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल के बेनिफिट्स के बारे में। तो गाइज, अगर आपके डार्क सर्कल हैं या फिर एक्ने हैं या एक्ने मार्क्स हैं, ये सब आपके विटामिन ई कैप्सूल से रिड्यूस हो सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पुराना एक्ने मार्क्स होगा, शायद उसे जाने में टाइम लगे या वो रिड्यूस ना हो, आपका ख़त्म ना हो पूरी तरीके से। लेकिन अगर जैसे एकदम से आपके एक्ने हुए, आपने यूज़ कर लिए, तो आपके फ्रेश जो मार्क्स होंगे वो हट सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, हैंड्स ड्राई हैं, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी ड्राई है, तो वो सॉफ़्ट हो सकती है विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करके। एड़ियाँ फटी हुई हैं वो भी आपकी सॉफ़्ट हो सकती है, सही हो सकती है विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करके। प्लस आपकी अगर सन टैनिंग हुई है तो वो भी आपकी सही हो सकती है विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ करके। और साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। तो ये सारे थे विटामिन ई कैप्सूल के बेनिफिट्स। ठीक है, अब मैं साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ गाइस, कि क्या सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग ही अच्छे होते हैं? क्या डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं? वो खूबसूरत नहीं कहलाते हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बिकॉज रातों रात गोरा हो जाओ, एक रात में 4-5 इंच बाल बढ़ा लो, ऐसी वीडियोस को आप लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर दो। आई डोंट नो वाई। मतलब क्या आप पे कॉमन सेंस नहीं है? इतना तो कॉमन सेंस होगा यार आप पे कि रातों रात किसी के भी बाल नहीं बढ़ सकते, रातों रात कोई काले से गोरा नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हर साल प्रोडक्ट्स अपने निकालते रहते हैं, हर महीने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। क्या उन प्रोडक्ट से कोई काले से गोरा हुआ है? जो आप यूट्यूब में इसके नुस्खे ढूंढते रहते हो, कोई भी इंसान काले से गोरा नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर आपने सुना होगा कि कोई बचपन में काला रहा हो, अब वो थोड़ा सा गोरा हो गया हो। वो भी इसलिए होता है क्योंकि बचपन में बच्चे धूल धूप में खेलते हैं, बड़े होते हैं, उन पे अकल आ जाती है, थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं और अपनी केयर करने लग जाते हैं, इसलिए उनका रंग थोड़ा सा लाइट हो जाता है। बट काले से गोरा तो वो भी नहीं होते यार। तो आप कहाँ मान रहे हो बात कि कोई काले से गोरा हो जाए, वो भी कैप्सूल्स यूज़ करके। ये कैप्सूल्स 30 रुपए की आती है, जिसमें कि हैं 10 कैप्सूल है इसमें, और ये 30 रुपए का पूरा पत्ता आता है। ठीक है, और आसानी से आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप में मिल जाएगी। तो लोग ये सोचते हैं कि 30 रुपए का पत्ता है तो बस कुछ भी उठा के खा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, और काले से गोरा हो जाओ, बाल बढ़ा लो। सिर्फ 30 रुपए के लिए आप, सिर्फ 30 रुपए सोच के आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। 30 रुपए की आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी उसे कंज्यूम कर लोगे। गाइस, इसका अगर आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे ना, एक्स्ट्रा डोसेज अगर आप कंज्यूम करोगे इसकी, ठीक है, खास करके इंटरनली, मतलब अगर इसे आप खाओगे और एक्स्ट्रा हो गया ना अगर आपके बॉडी में इसकी मात्रा, तो क्या होगा, आपको डेथ तक एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा डोसेज आपको हार्म कर सकती है। खाना किस चीज़ के लिए होता है? खाना हमारे जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना, लेकिन अगर आप उसकी एक्स्ट्रा डोसेज लोगे, खाना एक्स्ट्रा खाओगे, तो क्या होगा, या तो वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर पेट खराब हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से अगर आप इसकी जो दवाई है, ठीक है, दवाई को आप एक्स्ट्रा खाओगे तो क्या होगा, डेथ तक एक्सपीरियंस कर सकते हो गाइस। इसलिए आपको ये तो इंटरनली तो आपको खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है आपको, ये इंटरनली कंज्यूम नहीं करना है। अगर करते हो तो डॉक्टर की सलाह पे यूज़ करो। और इंटरनली भी वो लोग कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर विटामिन ई की कमी होती है, वो लोग वो उन लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं विटामिन ई की कैप्सूल खाने की, ठीक है, ना कि एक कोई भी नॉर्मल इंसान जिसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक है वो विटामिन ई की कैप्सूल खा लेगा। नहीं, विटामिन ई जो हमारे इंडियन डाइट होती है, विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। और अगर आपको विटामिन ई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको कुछ आइटम बता देती हूँ, उन्हें अगर आप खा लोगे तो आपके अंदर विटामिन ई खुद ही आ जाएगा, आपको इनकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप पालक खा लो, मक्का खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, यहाँ तक कि अब तो मूंगफली का सीज़न आ रहा है तो मूंगफली आप बहुत ज़्यादा खाओ, अपना आपके अंदर विटामिन ई आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखो, खुद आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। बट काले से गोरा होना अपने दिमाग से ये तो निकाल ही दो, क्योंकि वो तो ज़िंदगी में आप नहीं हो सकते हो। और होना क्यों है यार, हर चीज़ की लाइफ में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। दो फ्लावर्स होते हैं ना, हर किसी को रोज़ पसंद नहीं आता, हर किसी को लोटस पसंद नहीं आता। ऐसे ही आप चाहे काले रहो चाहे गोरे रहो, हर किसी को आप कभी भी पसंद नहीं आने वाले हो। तो इसलिए जस्ट लव योर सेल्फ और जैसे हो वैसे रहो, बहुत अच्छे हो आप। अपने को प्यार करना सीखो, क्योंकि खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ लोग मैंने देखे कि फैमिली वाले, उनके फैमिली वाले ही उनको ताने देते रहते हैं कि तू ऐसा, तू वैसा, तू काला, तू ये। वाई, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो तो बोलेंगे ही ना। तो प्लीज़ ये काले गोरे का अपने दिमाग से ही निकाल दो, ठीक है। सब जैसे हैं वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप हो सकते हो। भगवान ने जैसा बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, भगवान की इससे बेइज्जती ना ही करें आप, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ गाइज। तो एक साइड इफ़ेक्ट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरनली कंज्यूम करोगे तो आप डेथ तक एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको इसे एक्सटर्नली भी यूज़ करना है तो एक्सटर्नली आपको हमेशा इसे पैच टेस्ट करने के बाद ही यूज़ करना है, बिना पैच टेस्ट के नहीं करना। पैच टेस्ट मतलब इसको आप थोड़ा सा अमाउंट में लेके जो एरिया आपकी बॉडी में विजिबल ना हो इजीली, मतलब लोगों दूसरे लोगों को आराम से ना दिखे, मतलब यहाँ कर लो, आप गले के पीछे कर लो, यहाँ कर लो, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गंदा ना लगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप टेस्ट करो। अगर आपको सूट कर जाता है तो आप अपने फेस पे लगा सकते हो, ठीक है, और अगर नहीं करे सूट तो मत लगाना। ज़रा भी इरिटेशन हो, ठीक है, तो नहीं लगाओगे आप इसे, ठीक है। और अगर आपकी कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो या फिर आपको मेडिकली अभी कोई प्रॉब्लम है, लाइक बीपी हाई, बीपी लो, प्रेगनेंसी या फिर ब्रेन स्ट्रोक, अगर इस तरीके की कोई भी बीमारी रही हो या है, ठीक है, प्रेगनेंसी तो खैर कोई बीमारी नहीं है, बट अगर आप प्रेग्नेंट भी हो तो इसे इंटरनली आपको कंज्यूम नहीं करना है। और अगर आपको देखने में दिक्कत होती है तब भी आपको इसे यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आप इससे ब्लाइंड तक हो सकते हो। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक ये कैप्सूल्स हैं, इसलिए आप इसे मजाक मत समझो भाई। 30 रुपये में आ रहा है तो खुद डॉक्टर मत बन जाओ। तो गाइज़ ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, और बाकी मैं आपको डाइट भी बता चुकी हूँ, इसके बेनिफिट्स भी बता चुकी हूँ। एक और चीज़ गाइज़, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो गाइज़ आपको अगर ये डायरेक्टली सूट कर जा रहा है तो आप बेशक इसे मतलब यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत कम लोगों को ये डायरेक्टली सूट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरी स्किन टाइप मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल टू ड्राई है तो मुझे आराम से सूट कर जाता है, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी भी अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो आपको भी सूट कर जाए, इसलिए पैच टेस्ट आप कर लेना, उसके बाद ही इसे यूज़ करना। अभी मैं आपको इसे अपने पूरे फेस के ऊपर लगा के दिखाऊंगी। सेकेंडली, अगर आपको डायरेक्टली ये यूज़ ना मतलब सूट ना करें तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे थोड़े से कैरियर ऑयल में इसे मिक्स करना है। कैरियर ऑयल क्या होता है, वो ऑयल जो कि इसेंशियल ऑयल्स को आपके पूरे स्किन में कैरी करता है, उसे बोलते हैं कैरियर ऑयल, ठीक है। फेस के लिए आपका ऑलिव ऑयल और जोजोबा ऑयल, ये कैरियर ऑयल में आते हैं, जोजोबा ऑयल और ऑलिव ऑयल। तो इनके साथ आप मिक्स करके, या फिर कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके साथ ये मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। वो भी आपको एक कैप्सूल लगानी, एक से ज़्यादा नहीं लगानी है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ तो मेरी सिस्टर ने 2 कैप्सूल इसकी मिक्स की थी कोकोनट ऑयल के साथ, और आई डोंट नो उसने किसका चैनल देखा और उसने अपने जब पूरे फेस में लगाया ना, उसकी ऑयली स्किन थी तो उसके इतने भयंकर पिंपल्स हो गए, उसके फेस में पिंपल हो गए, उसके नेक में पिंपल हो गए, जो कि आज तक भी, मतलब उसने 1.5 साल पहले इसे यूज़ किया था और आज तक भी उसके पिंपल्स पूरी तरीके से सही नहीं हो पाए हैं। तो आपके साथ ये ना हो, आपको ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि इसे आप बहुत सोच समझ के ही यूज़ करें। अगर आपको सूट कर रहा है तभी यूज़ करें, वरना ना करें। और किसको यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो गाइज अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके। ये जो मेरा आपको एक्ने दिख रहा होगा, ये आपको 2 से 3 दिन में बिल्कुल साफ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो और आगे से आप किसी फालतू वीडियो में भरोसा ना करें। और इसके बाद तो आई थिंक आपको कोई भी विटामिन ई कैप्सूल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर चुकी है। बट फिर भी अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है, तो कर दीजिए ना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।